राजद की राज्य परिषद की बैठक चल रही है। लालू प्रसाद यादव इस बैठक में अचानक पहुंचे थे, तेजस्वी यादव मौजूद, और कई सारे ऐसे प्रस्ताव है जो पास किया गया है और लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया है कि तमाम जो फैसले हैं वो ले सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बैठक में लालू प्रसाद यादव के साथ शरद यादव, जगदानंद सिंह, तेजस्वी, और तमाम तस्वीरें देखिए किस तरीके से पार्टी दफ्तर के राष्ट्रीय जनता दल राज्य परिषद की बैठक है पार्टी दफ्तर में, और लालू प्रसाद यादव के बगल में तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। पहले लालू प्रसाद यादव की कुर्सी नहीं लगाई गई थी, उसके बाद ये कुर्सी लगाई गई है लालू प्रसाद यादव के लिए। तो देखिए तेजस्वी यादव हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, शरद यादव हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, तनवीर हसन, तमाम जो पार्टी के नेता हैं, देखिए शिवानंद तिवारी हैं, रामचंद्र पूर्वे हैं। और अब जो कार्यक्रम है इसमें जो मुहर लगी है वो कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनके लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया है। आज राज परिषद की बैठक के बाद सीधे तौर पर अब जो राष्ट्रीय परिषद है उसकी तैयारी भी करनी है, और इसके लिए तमाम जो देखिए मंच पे जो नेता हैं उनका अटेंडेंस बनवाया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने बनाया, तेजस्वी यादव ने बनाया, और अब शरद यादव से बनवाया जा रहा है अटेंडेंस। देखिए तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से पार्टी के तमाम जो नेता इस कार्यक्रम में शामिल हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंच से वो देखिए, किस तरीके तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है। लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव, शरद यादव एक साथ एक मंच पे हैं, कार्यक्रम में हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव के आने को लेकर पार्टी की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई थी, तैयारी भी नहीं की गई थी, लेकिन अचानक लालू प्रसाद यादव पहुंचे, और देखिए यहां पे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम पार्टी के नेता यहां मौजूद हैं, और सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राजद के राष्ट्रीय परिषद की बैठक की। और इस बैठक के बाद कई ऐसे एजेंडे हैं जिस पर मुहर लगी हुई है, और देखिए ये सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आखिर पार्टी के अंदर जो कार्यक्रम था इसमें तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, तमाम पार्टी के नेता हैं वो मौजूद हैं, और सभी पदाधिकारी तकरीबन 550 पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पार्टी दफ्तर पहुंचे। हालांकि इस कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव पहले ही पहुंच गए, तो तेजस्वी यादव को पैदल इस कार्यक्रम में आना पड़ा क्योंकि बाहर जाम लगी हुई थी, और तेजस्वी यादव को अपनी गाड़ी छोड़ के पैदल ही पार्टी दफ्तर आना पड़ा इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और देखिए किस तरीके से अब्दुल बारी सिद्दीकी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव वो कुछ अधिवेशन को लेकर कर रहे हैं, और साथ ही साथ आने वाले वक्त में दिल्ली के अंदर क्या कुछ बैठक होगी उसको लेकर ये तैयारी की जा रही है। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए दिल्ली में जो तैयारी है उसको लेकर बताया जा रहा है कि किस क्या कुछ तैयारी की जाएगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी उन तमाम चीज दे रहे हैं कि जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी उसमें क्या कुछ तैयारी की जाएगी, किस तरीके से पार्टी के पदाधिकारी दिल्ली जाएंगे तो उनके लिए कुछ व्यवस्था की गई और क्या कुछ व्यवस्था बनी हुई है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे पार्टी के प्रदेश कार्यालय की, जहाँ पे राजद के राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक है वो, और इस बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो पास किए गए हैं जिस पर लालू प्रसाद यादव को अधिकृत कर दिया गया है कि वो फैसले लेंगे।